Assalamu alaikum. From this video we will see the explanation of the second part of the lesson 3.5, the red-headed king, the part 2, what happened next, Dr. Watson's account. Well, Watson, what do you think of it all? Asked Mr. Holmes after Mr. Wilson had left. I make nothing of it, I answered frankly. Holmes sat silently for some time and then invited me to go out with him. We went to the square where Mr. Wilson had his shop. Holmes observed the area carefully. There were many shops and offices in the square. In a bank just behind, Mr. Wilson's shop, Holmes spent some time outside the shop and thumped upon the pavement 2 or 3 times. Finally, he knocked on Mr. Wilson's door. A young man opened the door. Mr. Holmes asked him the way to the Strand. The assistant answered the question and quickly closed the door. I said, I'm sure that you inquired your way only in order to see him. Not him, Holmes said, but the knees of his trousers. And what did you see? What I expected to see. This matter of Wilson's is serious. A crime is being planned. But I hope that we can stop it. Today is Friday. The offices and banks will be closed on the weekend. Now I have to go and make some arrangements. But I shall want your help tonight. Come to Baker Street at 10 and bring your revolver. I arrived at Holmes' residence in time. There were 2 other men with him, Mr. Jones of Scotland Yard and Mr. Merriweather, a banker. Holmes announced, tonight we are going to hunt one of the smartest criminals in London. Dear students, इस लेसन का जो पार्ट 2 है, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, डॉक्टर वॉटसन अकाउंट, पहला पार्ट हमने देखा विल्सन स्टोरी. अब यहाँ पे डॉक्टर वॉटसन ने जो रुदाल बयान की है कि पहली स्टोरी के बाद क्या हुआ, उसके मुताबिक हम यहाँ पर देखने वाले हैं. जब मिस्टर विल्सन चले गए वहां से, तो मिस्टर होम्स ने मिस्टर वॉटसन, डॉक्टर वॉटसन जो उनके साथी है, उनसे पूछा कि तुम इस बारे में क्या कहते हो. उन्होंने फ्रैंकली साफ तौर पर कहा कि मुझे तो ये कुछ समझ नहीं आया. फिर मिस्टर होम्स कुछ देर तक खामोशी से वहां पर बैठे रहे. फिर अचानक से वो अपनी जगह से उठे और डॉक्टर वॉटसन से कहा कि चलो हम बाहर जाते हैं. फिर वो मिस्टर विल्सन की शॉप घर जहाँ पर था वहां पर पहुंचे. वो उस स्क्वायर में पहुंचे, उस इलाके का बारीकी से मुशायदा किया. उनकी दुकान जहाँ पर थी, तो उसके आजू बाजू बहुत सारी दुकानें थी, लेकिन एक चीज उन्होंने नोटिस की कि उनकी दुकान की बैक साइड में एक बैंक है. तो उन्होंने वहां का बारीक बीनी से मुशायदा किया. मिस्टर विल्सन के शॉप के पास जो पेवमेंट जो रोड के बाजू से थोड़ी ऊंची और कंक्रीट का रास्ता बना हुआ रहता है पैदल चलने वालों को, फुटपाथ जिसे हम कहते हैं, उस पर अपनी छड़ी से उन्होंने थंप किया, ठोका उसको. और उसके बाद फिर मिस्टर विल्सन के शॉप का दरवाजा खटखटाया और उनसे एक ऐसी जनरल सवाल पूछा. एक इलाका इंग्लैंड लंदन का बहुत मशहूर इलाका स्ट्रैंड, उस इलाके के बारे में पूछा कि स्ट्रैंड कहा जाता है, वो जानते थे. तो वो नौजवान एक शख्स वहां से बाहर निकला और उसने पता बता दिया. फिर तेजी से उसने दरवाजा क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दिया. डॉक्टर वॉटसन ये देखकर ताज्जुब में हुआ उनको कि मुझे यकीन है कि तुमने सिर्फ इसको देखने के लिए ही उससे सवाल पूछने के लिए पूछा है, मतलब तुम देखना चाहते थे. तो डॉक्टर होम्स बहुत होशियार डिटेक्टिव है, जासूस है. उन्होंने कहा कि उसको देखने के लिए नहीं, उसके घुटने देखने के लिए. और ये कह करके फिर वो वहां से निकल गए. वहां से जो है तो वो निकल जाते हैं उस जगह से इतना देखने के बाद में. और फिर डॉक्टर वॉटसन कहते हैं कि फिर तुमने क्या क्या देखा. मिस्टर शर्लॉक होम्स कहते हैं कि जो मैं चाहता था वो मैं देख चुका हूँ. उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम यहाँ से अलविदा होते हैं.
यहाँ पर जो प्रिंट मिस है पिछले पहले पार्ट के लास्ट पैराग्राफ में टुडे इज सैटरडे लिखा हुआ है और उसी दिन ये वहां से निकले मिस्टर विल्सन के निकलने के बाद, और यहाँ पर टुडे इज फ्राइडे लिखा हुआ है। मे बी प्रिंट मिस्टेक, हम सैटरडे हम उसको समझते हो गए थे कि सैटरडे है और ये वीकेंड है। वीकेंड में सैटरडे संडे को इंग्लैंड लंदन के अंदर पहले से ही जो है तो वीकेंड मनाते हैं, छुट्टियां मनाते हैं और अगले दो दिन ऑफिस और बैंक सब बंद रहने वाले हैं। इसके लिए तुम आज रात बेकर स्ट्रीट, मिस्टर शर्लॉक होम्स का मकान बेकर स्ट्रीट पर था, ये वो पता है, एरिया का नाम है, रात में 10 बजे विद रिवॉल्वर, अपनी रिवॉल्वर लेकर आने के लिए डॉक्टर वॉटसन से कहते हैं कि अपनी रिवॉल्वर लेकर के वहां पर आना रात के 10 बजे। ठीक 10 बजे डॉक्टर वॉटसन वहां पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर दो और लोग उनको दिखाई देते हैं। एक उनमें से मिस्टर जोन्स ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, पूरी दुनिया की मशहूर तरीन जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें से लंदन का पुलिस डिपार्टमेंट जो पूरी दुनिया में मशहूर है उसको स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ उनके ऑफिसर मिस्टर जोन्स वहाँ थे और दूसरे शख्स मिस्टर मेरीवेदर जो कि एक बैंकर है, यानी कि बैंक के से मुतालिक उनका पेशा है, बैंक के चेयरमैन हो सकते हैं या मैनेजर वगैरह, ये वहाँ पर मौजूद थे। और फिर जब वो वहाँ पर पहुंचे उसी वक्त मिस्टर शर्लॉक होम्स ने यह ऐलान किया कि आज रात हम लंदन के सबसे स्मार्टेस्ट होशियार तरीन क्रिमिनल्स यानी मुजरिमीन को पकड़ने वाले हैं। ये पार्ट यहाँ पर इसी के साथ खत्म होता है। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।